तो आज हम देखेंगे गर्मियों के कुछ परमानेंट प्लांट्स जो कि हमेशा प्लांट रहते हैं, फ्लावरिंग गर्मी गर्मी होती है। तो अब हम देखेंगे 15 से 20 वैरायटीज़ फ्लावरिंग की जो पूरी गर्मी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो फर्स्ट प्लांट है अलमंडा का प्लांट, जो कि आप जानते ही होंगे इस प्लांट के बारे में, फुल्ली धूप का प्लांट है ये। ये वाली जो वैरायटी है इसकी, ये थोड़ा पिंकिश शेड में होती है। तो इसका बुश होता है करीब 5 फीट तक हाइट जाती है इसकी। पूरी गर्मी फ्लावरिंग होती है इसमें, सर्दी में इसके पत्ते थोड़े ड्रॉप होते हैं, उस टाइम इसमें वाटरिंग कम करनी होती है तो ये बच जाता है। तो ये आप ले सकते हैं बैग में 100 रुपीज़ में। इसकी हाइट अप्रॉक्स अभी होगी 2 से 2.5 फीट तक की, पर इसकी हाइट जाएगी 5 फीट तक। तो इसको आपको 12 या 14 इंची पॉट में लगाना होगा नॉर्मल सॉइल में, प्लस इसके साथ काउडंग खाद मिलानी होगी और हर महीने वर्मी कंपोस्ट डालनी होगी। तो इसको आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो हमारा अगला प्लांट है अलमंडा का ही प्लांट है, ये क्रीपर प्लांट है अलमंडा का। तो इसे आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। इसकी हाइट भी कम से कम 10 से 15 फीट तक जाती है, पूरी बेल फैलती है इसकी, आपकी दीवार वगैरह में साइडों पर लगा सकते हैं इसे आप। इसे 12 से 14 इंची पॉट चाहिए, हाइट अप्रॉक्स इसकी 10 से 15 फीट जाती है। फुली धूप का प्लांट है, सर्दियों में इसके ही पत्ते ड्रॉप होते हैं, उस टाइम वाटरिंग कम करनी होती है। तो यह भी आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो इसे आपको मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट खाद देनी होगी। कीड़े की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, तो इसमें कीड़े की दिक्कत नहीं होगी आपको। और प्रूनिंग करेंगे अगर आप इसकी तो ये फैलता चला जाएगा। तो आप ये भी ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। गर्मी का एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसको फाइकस कहा जाता है, फाइकस आइसलैंड वैरायटी है ये। मेनली लोग बाउंड्री वगैरह में या इसका बोनसाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आप 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। फुली ग्रोन प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, तो आप ये 100 रुपीज़ में आटे से ले सकते हैं। आप इसे बोनसाई लुक भी दे सकते हैं, वरना इसकी हाइट अप्रॉक्स 2 से 2.5 फीट तक ही जाती है बस, इससे ऊपर ही नहीं जाता है, पूरा बुशी होता है, फैलता जाता है। तो ये आप ले सकते हैं। हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, इसमें आपको मंथ में एक बार खाद देनी है तो दे सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है इसमें खाद की। तो ये आप ले सकते हैं हार्डी में। फुल सनलाइट का प्लांट है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुकती है, तो उस टाइम में इसमें थोड़ी वाटरिंग वगैरह ध्यान देना होता है। तो ये भी ले सकते हैं आप 100 रुपीज़ में। गर्मी का एक प्लांट ये भी, जिसको नाग चंपा कहा जाता है, इसके पत्ते स्नैक की तरह होते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। करीब इसकी हाइट अप्रॉक्स अभी इस टाइम पे 3 फीट तक होगी, ये हाइट जाती है इसके 7 से 8 फीट तक। अगर आप कटिंग कर दे तो इसे बुशी कर सकते हैं। पॉट साइज़ इसको कम से कम 14 या 16 इंची चाहिए, पूरी गर्मी फ्लावरिंग होती है इसमें। तो ये भी आप ले सकते हैं। फुली धूप का प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, इसमें खाद चाहिए महीने में एक बार। तो ये 150 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। बोले तो इसे आपको 14 इंची या 12 इंची पॉट में लगाना होगा, तो ये पूरा बढ़ता चला जाएगा। कटिंग करिए टाइम टाइम पे इसकी, तो फैलता रहेगा, वरना फिर लंबे जाते रहेंगे ये। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट देनी है आपको हर महीने, ग्रोथ अच्छी करता है इसके प्लांट की। लो मेंटेनेंस वैसे तो होती है इसकी, हार्डी प्लांट है, तो आप इसे लगा सकते हैं 150 रुपीज़ में। तो बोगनवेलिया की एक नई वैरायटी है जिसको बोगनवेलिया ड्वार्फ कहा जाता है। इसकी हाइट अप्रॉक्स 2 से 3 फीट तक होती है, पर ये 8 इंची पॉट में लगा हुआ है, डार्क पिंक शेड में है इसका। ये 2 to 250 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। कटिंग इसमें कांटे, इस वाले बोगनवेलिया में खासियत यही है, इसमें कांटे नहीं होते हैं और ये पूरा बुशी होता है, ऊपर हाइट ज़्यादा नहीं जाती, बेल नहीं मिलती इसकी, ये बुशी होता है बस, फैलता चला जाता है। तो फुल धूप का प्लांट है, लो इसकी भी लो मेंटेनेंस है, पानी इसको टाइम टाइम पर चाहिए, थोड़ा लो वाटरिंग होती है इससे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है इसमें। खाद की वैसे ज़्यादा नीड नहीं है इसमें, वर्मी कंपोस्ट फिर भी दे सकते हैं इसमें हर महीने ग्रोथ के लिए, जल्दी ग्रोथ के लिए। तो इसमें अपने पास अभी ये डार्क कलर का है, तो इसमें एक लाइट पिंक आता है और वाइट भी आता है, वो भी आने वाला है 1 महीने के अंदर अंदर, सेम प्राइस में 250 रुपीज़ में आप इसे ले सकते हैं। तो गर्मी का एक अच्छा प्लांट, इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, जिसको मोगरा कहा जाता है, कई लोग इसको मोतिया भी कहते हैं। तो ये आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। फुली मैच्योर प्लांट है, हाइब्रिड वैरायटी है, ज़्यादा हाइट नहीं जाती है इसकी, फुल धूप में रहता है। इसमें आपको कीड़े की दवाई का स्प्रे करना होगा, पानी इसमें ज़्यादा चाहिए, डेली एक बार पानी आपको फुल भरना है। पॉट साइज़ 10 से 12 इंची कर सकते हैं, बहुत तेज़ स्मेल होती है, तो ये भी आप ले सकते हैं 10 से 12 इंची पॉट में लगा सकते हैं। पूरी गर्मी फ्लावरिंग होती है, सर्दियों में इसका प्लांट रहता है, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो ये भी आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो एक ये प्लांट आया अपने पास फर्स्ट टाइम, जिसको कहते हैं जैस्मिनम अजोरिकम, ये पूरा बुशी होता है, तो इसमें स्मेल तो खैर नहीं होती है, पर फ्लावरिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अभी पॉट साइज़ इसका 6 इंची है, 100 रुपीज़ का प्लांट है ये। पूरी गर्मी में इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, पूरा फैलता जाता है, बुशी होता है। इसकी हाइट अप्रॉक्स 2 से 3 फीट तक ही जाती है, फैलता है प्लांट, गर्मी गर्मी फ्लावरिंग है। तो ये भी आप ले सकते हैं, इसमें महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट देनी होगी। और पॉट साइज़ इसका 10 से 12 इंची रहता है, तो आप इसे ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। गर्मी का ये भी एक अच्छा प्लांट है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो गर्मी का एक प्लांट ये भी है, जिसको बेगम बहार कहते हैं। तो इसमें अपने पास अभी डार्क पिंक है, डार्क पिंक कलर, डार्क पर्पल कलर का है, इसमें पिंक कलर का भी आता है, इसकी प्राइसिंग 150 रुपीज़ है। ये प्लांट को एक जगह पे सेट करना होगा आपको, अगर इसके बार बार आप हिलाओगे तो थोड़ा दिक्कत होती है इसमें। तो ये आप एक जगह पे सेट कर सकते हैं अपने कहीं पे, जहाँ पे लो सनलाइट हो, ठंडा एरिया हो, वहाँ चलता है। पानी इसमें डेली एक बार फुल चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए इसमें। तो ये भी आप ले सकते हैं 150 रुपीज़ में। इसकी हाइट अप्रॉक्स 2 से 3 फीट तक ही जाती है, पूरा बुशी होता है, गर्मी गर्मी फ्लावरिंग है। सर्दी में इसके पत्ते थोड़े डाउन होते हैं, पत्ते गिरते हैं, उस टाइम पानी कम कर देना होता है। तो ये भी आप ले सकते हैं, करीब आप इसे 10 से 12 इंची पॉट में लगा सकते हैं। तो 150 रुपीज़ में आप ये भी ले सकते हैं, अपने गार्डन में ये भी ऐड कर सकते हैं आप। गर्मी का एक ये प्लांट भी, जिसको हिबिस्कस कहा जाता है, हिबिस्कस हाइब्रिड,
अब इसमें बड़ा फ्लावर होता है तो इसमें आप ले सकते हैं, फुली धूप का प्लांट है, इसे आपको 10 से 12 इंच पॉट में लगाना होगा। हाइट इसकी अप्रॉक्स 3 से 4 फीट तक जाती है, पूरा फैर फैलता है प्लांट। इस प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसमें आपको हर महीने कीड़े की दवाई का स्प्रे करना ही पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं इसमें 10 से 12 इंच पॉट में। तो इसमें आप 4-5 कलर देख सकते हैं, हमारे 4-5 कलर अवेलेबल हैं, जिसमें पिंक है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, डबल कलर के भी हैं, थोड़े छोटे प्लांट छोटे वैरायटी भी है, ये वाली मिनी जिसको कहते हैं मिनीचर वैरायटी, हिबिस्कस की मिनीचर वैरायटी। इसमें फ़ायदा ये है इस वाले फ्लावर्स में, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से ज़्यादा हिबिस्कस में इसी प्लांट में होते हैं। इसकी भी हाइट अप्रॉक्स 3 से 4 फीट तक जाती है, पूरा बुशी होता है ये भी, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं पर सबसे ज़्यादा फ्लावर इसी से आते हैं। केयरिंग इसकी कम है, महीने में एक बार खाद चाहिए, फुली धूप का प्लांट है, दिन में एक बार पानी इसमें डाल सकते हैं आप, तो ये भी आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। और इसका जो मिनीचर वैरायटी जो है वो 80 रुपीज़ का है, तो ये भी आप ले सकते हैं अपने गार्डन में, भी ऐड कर सकते हैं। पूरी गर्मी फ्लावरिंग होती है, सर्दी में थोड़ा इसमें फ्लावरिंग कम होती है, तो हिसाब से इसको भी आप 10 या 12 इंच पॉट में लगा सकते हैं। तो गर्मी का एक अच्छा प्लांट है जिसको फाइकस स्टारलाइट कहते हैं, ये भी एक गर्मी का पूरा बहुत हार्डी प्लांट है, फूल धूप में चलता है, हाइट अप्रॉक्स इसकी 5 से 6 फीट तक होती है, पूरा बुशी होता है, इसे आप 12 या 14 इंच पॉट में लगा सकते हैं, पूरा बुशी होता है, फैलता जाता है, अच्छा लगता है देखने में, बाहर से बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो इसमें 2 कलर का शेड आता है, वाइट और थोड़ा ग्रीन कलर का, तो ये अभी से आप 12-14 इंच पॉट में लगा के खाद वगैरह डाल के रख सकते हैं इसे आप। बहुत तेज़ी ग्रोथ है इसकी, सर्दी में थोड़े पत्ते इसके ड्रॉप होते हैं, उस टाइम इसमें वाटरिंग थोड़ी कम करनी होती है ताकि टिक जाता है, और ये आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। इसी में आप देखेंगे इसी की एक ट्रैंगुलर वैरायटी जो कि बहुत रेयर वैरायटी है, फाइकस ट्रैंगुलर जिसको कहते हैं, इसके पत्ते ट्रैंगल की शेप में होते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। इसका आप लोग बोनसाई बनाते हैं, इस वाले फाइकस की हाइट 3 फीट से ऊपर नहीं जाती है, तो ये भी आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। बोनसाई के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, इसकी वायरिंग वगैरह करके आप बोनसाई लुक दे सकते हैं इसको, तो इसी के साथ इसी में ये भी 100 रुपीज़ का। इसी में आप देखेंगे एक स्टारलाइट की थोड़ी पत्ते बारीक पत्ते वाली वैरायटी इसको कहते हैं, ये बुशी होता है, ये भी कम से कम 5-6 फीट तक हाइट जाती है, ये भी 100 रुपीज़ का है, तो आप ये भी ले सकते हैं 12-14 इंच पॉट में सेट कर सकते हैं। खाद इसमें ज़्यादा नीड नहीं होती है, केवल वर्मी कंपोस्ट आप डालते रहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, अच्छी ग्रोथ करता है। गर्मी गर्मी फुली धूप का प्लांट है, धूप सहने वाला है, पानी इसमें आप 3 भर में एक बार फुल भर सकते हैं, चलता रहेगा ये, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसी में देखेंगे आप ये थोड़ा येलो शेड का फाइकस पांडा इसको कहते हैं, ये भी 100 रुपीज़ का है, इसके पत्ते थोड़े ऊपर से येलो येलो से होते हैं, नीचे इसमें ग्रीन होता है, तो ये भी आप 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। सेम पॉट इसमें 12-14 इंच पॉट लगा के आप फुल धूप में रख सकते हैं, महीने में एक बार खाद डालिए, इसमें पानी दिन में एक बार चाहिए, तो ये भी आप 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। एक ये प्लांट है जिसको डबल चांदनी कहा जाता है, ये भी पूरी गर्मी का तेज़ गर्मी झेलने वाला प्लांट है, प्लांट ये परमानेंट है पर इसमें फ्लावरिंग गर्मी गर्मी होती है, तो 100 रुपीज़ में आप ये भी ले सकते हैं जिसको डबल चांदनी कहा जाता है। इसकी हाइट अभी 3 से 4 फीट तक होगी पर इसकी हाइट लंबी जाती है 6 फीट तक, तो ये 100 रुपीज़ में ले सकते हैं। फुली धूप का प्लांट है, धूप सहने वाला है, इसे आप 14 या 16 इंच पॉट में लगा सकते हैं। कटिंग करेंगे आप इसकी तो बुशी होता चला जाता है, फ्लावरिंग बहुत होती है इसमें, हल्की हल्की बहुत इसमें हल्की हल्की स्मेल भी होती है, तो इसमें आपको महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट की खाद देनी होगी, फुल धूप में रहेगा तो चलता रहेगा, आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा प्लांट है, चलता रहता है, हार्डी प्लांट है, तो ये भी ले सकते हैं 100 रुपीज़ में आप। गर्मी का एक ये प्लांट है जिसको जूही कहा जाता है, इसमें बहुत हल्की स्मेल होती है, इसकी बेल चलती है, तो इसे आप 12-14 इंच पॉट में लगा सकते हैं। फुली धूप का प्लांट है, अच्छा प्लांट है, गर्मी गर्मी फ्लावरिंग करता है, प्लांट इसका परमानेंट रहता है, तो आप इसे 12-14 इंच पॉट में फुल धूप में रख सकते हैं, दिन में एक बार पानी देना होता है इसमें आपको, और फुल धूप में रहेगा, तो इसमें आपको महीने में एक बार खाद देनी है वर्मी कंपोस्ट खाद सभी पौधों के लिए बहुत बेस्ट रहती है, तो आप इस वर्मी कंपोस्ट को इंडोर भी लगा सकते हैं, खादों में इंडोर भी लगा सकते हैं, तो ये आपको बहुत, तो ये जूही का प्लांट आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ में, ले सकते हैं आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गर्मी का एक ये बहुत अच्छा प्लांट है जिसको कुंद कहा जाता है, इसका फ्लावर लगभग जूही की तरह ही होता है पर ये इसकी बेल नहीं चलती, इसका बुश होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। गर्मी गर्मी फ्लावरिंग करेगा, बंचेस में फ्लावर होते हैं, खुशबू तो खैर इसमें नहीं होती पर इसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं 200 रुपीज़ में। अभी ये इस टाइम में करंट में 8 इंच पॉट में लगा हुआ है, तो उसको महीने भर के अंदर अंदर आपको 12-14 इंच पॉट में लगाना होगा, पूरी बुशी होगा, हाइट इसकी 2 फीट के नीचे नीचे रहती है, बुशी होता है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं 200 रुपीज़ में। तो गर्मी का एक ये प्लांट है बहुत हार्डी प्लांट है जिसको मधुकामनी देसी कहा जाता है, यह आप ले सकते हैं 150 रुपीज़ में। इसका छोटा प्लांट भी अवेलेबल है अपने पास, वो 20 रुपीज़ का है, तो ये ले सकते हैं। इसमें बहुत तेज स्मेल होती है, हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, इसमें खाद ना भी तब भी चलता रहता है, फुल धूप में रहता है। इसका पॉट साइज़ कम से कम आपका 14 या 16 इंच होना चाहिए। इसकी हाइट भी अप्रॉक्स 6 फीट तक जाती है, करंट में इसकी हाइट अभी 1.5 से 2 फीट है। वो बंचेस में फ्लावर आते हैं इसमें, इसमें बीज भी इसी पे उग जाता है, तो बीज भी आप लगा सकते हैं इसी में से ही, तो 150 रुपीज़ में आप ये ले सकते हैं।
तो जो आपने प्लांट हमने दिखाया अभी आपको गर्मी के प्लांट्स कुछ दिखाए जो गर्मी गर्मी चलेंगे वो प्लांट परमानेंट हैं, तो इसकी बहुत से लोगों से डिमांड थी कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो कमलेश नर्सरी में ऑनलाइन डिलीवरी भी अवेलेबल है, पूरी दिल्ली NCR में, इंडिया में, हर जगह हम लोग डिलीवरी करते हैं। हाल फिलहाल में अपने अभी लंदन प्लांट भेजे थे, बहुत अच्छे से पहुँचे थे, कस्टमर का अच्छा रिव्यू रहा, तो आप ले सकते हैं ऑनलाइन भी हमसे। तो मेनली ऑनलाइन का प्रोसीजर ये है, आपको जो प्लांट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, तो ये नंबर है 8076436694। मेरा नाम है आर्यन, मैं डिलीवरी का काम देखता हूँ, तो आप ले सकते हैं सारे हमारे से। दिल्ली NCR का डिलीवरी चार्ज है, जैसे अगर आप थोड़े प्लांट मंगाते हैं जो बाइक पे ले जाना पॉसिबल हुए तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज लगता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितना नर्सरी डिस्टेंस रहेगा। अगर आपके प्लांट ज़्यादा होते हैं, जैसे आप खाद वगैरह भी ऐड कराते हैं, तो डिलीवरी चार्ज रहेगा 20 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑटो से। अगर आपका अदर स्टेट का ऑर्डर है तो 80 रुपीज़ पर केजी, डिपेंड अपॉन प्लांट वेट, तो आप ले सकते हैं। ऑर्डर के लिए आप केवल व्हाट्सअप करिए, कॉल कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं होता है, तो व्हाट्सअप का आप कर सकते हैं, आपको जो जो चाहिए लिस्ट बना के मेरे नंबर पे ही जो मैंने बताया आपको अभी, तो ऑर्डर कर सकते हैं आप पूरी दिल्ली NCR, इंडिया में कहीं पर भी।